स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। सो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं मंचूरियन। हर बार मम्मी को मन रहता है, मम्मी को मन है मंचूरियन खाने का, तो आज मंचूरियन ही बन रहा है गाइस। तो चलिए रेसिपी को फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मम्मी बोल रही है मैं डाल रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये है पत्ता गोभी, कैरेट, कैप्सिकम यानी शिमला, गाजर, गोभी और ये सॉसेज हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ ये दो लहसुन की कलियाँ, ये दो लहसुन की कलियाँ डाल दी और इसमें जाएगी थोड़ी सी सोया सॉस। अच्छा तो इधर मोबाइल हिलाओ मत। एक ढक्कन दूर से लो एक ढक्कन नहीं हल्की सी, हाँ आधा चम्मच से भी कम। ढक्कन के हिसाब से फुल होगा ना ढक्कन? नहीं होगा, ढक्कन फुल नहीं होता बेटा, ढक्कन भी चम्मच जितना ही है। और ये चुटकी भर केसरी हो ऑरेंज कलर, ऑरेंज फूड कलर है ना रेस्टोरेंट जैसे रेस्टोरेंट में ऑरेंज ऑरेंज फील दिखा ना, फील दिलाते हैं ना रेस्टोरेंट टाइप। तो ये फूड कलर डल चुका है, तो अब हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर और मैदा। ये तो कस्टर्ड पाउडर है, सॉरी मीठा मीठा लगता क्या? हम दोनों सेम लग रहा था क्या? ग्रीन वो पता है ना, देखी भी नहीं, जब येलो लगा ना कस्टर्ड। खत्म हो गया क्या? अच्छा चल गया क्या? देखो कैसे लगता है खाने में, अब बताओ आपको कैसा लगता है। हमने मंचूरियन बॉल्स कैसे बनाते हैं देखना ना। कितने टीस्पून डालने हैं दोनों? टेबल स्पून है, टीस्पून नहीं है। टेबल दो अभी ये डाला है मैदा और दो मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, लेकिन और इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो और दोनों बराबर डालते जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं तो और इसमें हमने पानी कुछ थोड़ा भी पानी अभी नहीं डाला है हमने, और इसमें थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल रहे हैं तो नमक निकलेगा, मतलब पानी निकलेगा। जो भी वेजीज छोड़ेंगी हल्का सा, वैसे हमने इसको कद्दूकस नहीं किया, चॉपर में चॉप किया है बारीक। हाँ कद्दूकस करने से एकदम पानी पानी हो जाता है, ये चॉपर में हमने चॉप किया है तो इसमें ये पानी पानी नहीं लग रहा है चॉपर। गैस देखिए गाइस, तो ये चॉपर है, इसमें चॉप किया। कद्दूकस करने से क्या है पानी पानी हो जाता है। जो लोग इसे ऑनलाइन मंगवाए होंगे उनको पता होगा कि ये किस ऐप का है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलता है पर ये मैं ये मीशो का है गाइस। गाइस तो अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर, नमक और मैदा, फूड कलर भी, फूड कलर, लहसुन, सोया सॉस भी डाले ना। सोया सॉस बाद में भी डालेगी, वो तो ग्रेवी में डलेगी ना, ये तो इसके वो तल लेंगे बॉल्स मंचूरियन। अब इसके बॉल्स देखो, ये हमें अभी भी थोड़ा गीला लग रहा है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा और ऐड करेंगे, जैसे आपको महसूस होगा करते करते बाइंड अच्छे से ऐसे बाइंड होना चाहिए। अभी मुझे ये गीला लग रहा है तो इसमें और डलेगा क्या? तो कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों और थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी मैं, क्योंकि ये ज़्यादा है ना हमारा मटेरियल। कॉर्नफ्लोर भी और मैदा भी मैंने और डाल दिया। ऐसे बॉल्स दिखा देना दो तीन बार, फ्राई करते हुए दिखाना ठीक है गाइस। तो ये अभी हम लोग बॉल्स बना रहे हैं ठीक है, अब इसके बॉल्स हमारे बन सही सकते बन जाएंगे।
जैसे चाहे राउंड और ऐसे रफली भी बना सकते हैं, कोई जरूरी एक नहीं। बना के दिखाना है चिक। ये देखिए ऐसे बस इसको हमको अब डीप फ्राई कर लेना है। और रफली वाला इसमें हमने डाला है लहसुन की 2-3 कलियां, थोड़ी सोया सॉस एंड ये ऑरेंज फूड कलर सॉल्ट। रफली वाला बना के दिखाना ना दूसरा। हाँ बन रहा है रफली तो है। ये हमारे मंचूरियन बॉल्स इसे ग्रेवी में डालेंगे और ये तल रहे हैं अभी। मम्मी कितने बैचेस बनाए हम लोग? कितने भी बैच में ना, वो जितनी बड़ी कढ़ाई होगी उसे हिसाब से तल सकते हो ना। हम तो 3 में हो गया, जितना ऐसा कुछ नहीं बैच है। पत्ता को पूरी कटे आती ना। आज क्या डिनर बन रहा है वैभव? मंचूरियन राइस विथ मंचूरियन तो ये है लहसुन मिर्ची प्याज, लहसुन अदरक अदरक मिर्ची प्याज। मंचूरियन की ग्रेवी तैयार हुई है। मंचूरियन की ग्रेवी ओके। और फिर ये हमने डाला था अभी विनेगर डाल दिया। ये हमने भी डाला विनेगर डाल दिया है। अब ये डाल दिया सोया सॉस। ये डाल दिया अभी सोया सॉस। ज़्यादा नहीं डल गई? नहीं ज़्यादा स्पाइसी नहीं ज़्यादा। नहीं स्पाइसी की बात नहीं है, वो तो स्पाइसी लगता है। मंचूरियन भी तो ज़्यादा है। मम्मी ग्रेवी को पीसोगे नहीं, ग्राइंड नहीं करोगे? नहीं ग्राइंड क्यों होगी। हमने इसमें डाला है विनेगर, टमाटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड कर लिया हमने। फिर अब इसमें थोड़ा सा बॉईल आए उसके बाद हम इसमें ये 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसको घोल हम इसमें मिक्स करेंगे। इससे ग्रेवी थिक हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड किया ना। अब इसके बाद हम ये कॉर्नफ्लावर का घोल डालेंगे, इससे ग्रेवी थिक हो जाएगी। एंड देन उसके बाद हम ये हमारे वेरी टेस्टी मंचूरियन बॉल इसमें डाल देंगे। देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब ये हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड कर रहे हैं। अब इसको कॉर्नफ्लावर को पकने देंगे ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन निकल जाए। कॉर्न स्टार्च का कच्चा पर निकल जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। देखिए ग्रेवी हमारी थिक हो रही है। तो फिर अब हम इसमें मंचूरियन बॉल्स को ऐड करेंगे। ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई, तो हम इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि सॉसेज में भी सॉल्ट रहता है। तो ध्यान से डालना है। थोड़ा सा
अब हम इसमें फोटो क्लिक हो रहा है क्या? अब ये हम अपने मंचूरियन बॉल में डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बस हम इसे फिर इसे निकाल लेंगे, है ना? नहीं, थोड़ी देर इसमें पकाएंगे 2 मिनट, ताकि ये पूरी ग्रेवी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। गाइस कितना डिलीशियस लग रहा है, यम्मी लग रहा है ना? हाँ। ओके, अब मैं इसको खा के बताता हूँ। ओके, मैं आपको इसको खा के बताता हूँ गाइस। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेरी यम्मी डिलीशियस गाइस, आप भी ट्राई करिएगा रेसिपी। बाय गाइस।